अगर आपने टाइटल देख के या थंबनेल देख के ये वीडियो पर क्लिक किया है ना, तो आप निराश मत होइए। ये पूरा वीडियो आप देखिए अच्छे से और आपको समझ आ जाएगा कि मैंने क्यों लिखा है कि बिना डाइट और बिना एक्सरसाइज के आप अपना वेट चुटकियों में कम कर सकते। तो कोई भी बकवास नहीं करेंगे, सीधे चालू करते हैं। चल चल पका मत। हाँ मैं कोई बकबक नहीं कर रही हूँ, चलो सीधे से चालू करते हैं। तो सबसे पहला जो मैं पॉइंट आपको बताने वाली हूँ वो है वाटर। पानी पियो। आपको भी यही लगता है कि मैं आपको ये बोलने वाली हूँ कि खूब सारा पानी पीना चाहिए? ये तो आप सब जानते हैं कि पानी खूब सारा पीना चाहिए, पर क्या आपको पता है कि पानी पीने का एक सही तरीका है? पानी कब पीना है, कैसे पीना है, ये अगर आपने जान लिया ना, तो आपने अपनी काफ़ी हद तक की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। सिर्फ पेट ही नहीं, इसके अलावा स्किन की या आपके पेट की काफ़ी बीमारियों का आप इलाज कर सकते हैं। तो आप ज़्यादातर आप क्या करते हैं, जब आप खाना खाते हैं उसके बाद पानी पी लेते हैं, ब्रेकफास्ट किया उसके बाद पानी पी लिया, उससे क्या होता है, आपने पहले ही अपना पेट को पूरा फिल कर लिया है, ऊपर से आपने पानी पी लिया। अब वो पानी जाकर क्या करेगा, आपके डाइजेस्ट, एक तो पानी आपके पेट में पहुँच ही नहीं पाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी आपने आपके पेट को फिल कर रखा है, तो वो जगह जगह ढूंढ के कहीं भी रास्ते से पहुँच भी गया तो वो क्या करेगा, जो भी उसके एंजाइम्स हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उसको पतला कर देगा। अब पतला कर दिया तो एंजाइम्स ने अपना काम थोड़ा सा स्लो कर दिया, इससे क्या हुआ, आपका खाना पचा नहीं, सड़ने लग गया और वेट गेन हो गया। पर अगर आपने यही पानी, दो ग्लास पानी या एक ग्लास पानी आपने खाना खाने से आधे घंटे पहले पिया ना, तो क्या होगा, आपने ऑलरेडी अपने पेट में पानी डाल दिया जिससे कि आपको भूख थोड़ी कम हो गई। भूख कम हुई तो आपने ऑब्वियसली आपका कैलोरी इनटेक कम हुआ, आपने आधी रोटी एक रोटी कम खाई। इसके साथ ही आधे घंटे पहले पानी पीने से आपके जो एंजाइम्स हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो फास्ट प्रोसेस करेंगे क्योंकि आपका पेट खाली है, उसको प्रोसेस करने के लिए स्पेस है। तो अब जब आप आधे घंटे बाद पानी पियेंगे तो आराम से आपका खाना जल्दी से पचेगा और जो भी वेस्ट है वो बाहर जाएगा और वेट गेन होने का यानी फैट जमा होने का कोई चांस ही नहीं। तो है ना टिप अच्छी? तो चलो बिना बकवास किए हम दूसरे टिप पर आते हैं। तो मैंने एक्चुअली यहाँ पे लिख के रखा हुआ है सब कुछ। तो हम बात करते हैं दूसरे की टिप की, जो कि बहुत ही यूनिक है। आई डोंट थिंक आप लोगों ने किसी ने सुना होगा इस टिप के बारे में। अच्छा आप ये बताओ, टीवी आप सब देखते हो, ठीक है, टीवी देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, मूवीज देखते हो, ठीक है, अब उसमें ऐड आ गया तो अब आप क्या करोगे, मोबाइल उठाया, टाइम पास करने लगे जब तक ऐड है, या फिर चैनल चेंज कर दिया और जब तक ऐड उस पर आया तब तक दूसरा कुछ देख लिया या मोबाइल में चला लिया। पर अब आपको क्या करना है, ये देखो, जैसे ही आपका कोई ऐड आया, मान लो कि आप आधे घंटे का कोई शो देख रहे हो, उसमें 10 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए ऐड आया, उस 5 मिनट में आप क्या करो, आप अपने आप से ये बोलो कि जब तक ऐड खत्म नहीं होता है तब तक मैं रन करूंगी, उसी प्लेस पे जॉग करूंगी या उसी प्लेस पे मैं कोई एक्टिविटी कर लूंगी, एक्टिव मतलब एक्सरसाइज जैसी एक्टिविटी, जैसे स्क्वाट्स कर लिया, जब तक ऐड खत्म नहीं होते कंटिन्यू। इससे क्या हो रहा है, हर ऐड में आपने वो किया, मान लीजिए आपने एक घंटा भी कोई शो देखा उसमें 4 से 5 ऐड आ गए 5-5 मिनट के, तो आपका टोटल कितना एक्सरसाइज कर लिया ना, बिना कोई एक्स्ट्रा टाइम निकाले अपना फेवरेट टीवी शो देखो और वेट लूज करो। है कि नहीं टिप अच्छी, है ना? तो चलो मैं बहुत ही शानदार से टॉपिक्स, शानदार टिप्स बताने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो अच्छे से देखो। अब हम बात करते हैं तीसरे की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लेट्स के बारे में बात करते हैं, किचन से रिलेटेड बात करते हैं। अब बोलेगी चीनी छोड़ दो, ये छोड़ दो, वही घिसी पिटी बात। ना ना मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आप शुगर छोड़ दो, ऐसे कम खाओ, ऐसा मैं कुछ आपको फैंसी डाइट नहीं बताने वाली हूँ। किचन में ज़रूर हम जा रहे हैं लेकिन कोई डाइट नहीं। आपको करना क्या है, दो प्लेट लेनी है। आप जिस प्लेट में रेगुलर लेते हैं, जैसे आपने एक बड़े प्लेट में आप खाना खाते हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ, आपने एक बड़े प्लेट में खाना ले रहे हैं और एक छोटे प्लेट में खाना लीजिए। बड़े प्लेट में आपने दो रोटी डाली, सब्जी डाली, रायता डाला, सलाद डाला, फिर भी थोड़ी सी जगह बच गई है उस प्लेट में, तो आपने क्या किया, प्लेट थोड़ी खाली खाली लग रही, थोड़ा अचार डाल देते हैं। और वही अगर आपने छोटी सी प्लेट ली है उसमें एक रोटी डालो, थोड़ी सी सब्जी डालो, थोड़ा सा रायता डालो या दाल डालो, क्या होगा, जगह भर जाएगी, आपको लगेगा, आपका जो दिमाग है ना, जो साइकोलॉजिकल, आप सोचेंगे कि काफ़ी मैंने ले लिया है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, ट्राई करके देखो 2 दिन, उससे क्या होगा, आप बस उतना ही खाना लेंगे और उतना ही खाना खाएंगे।
तो क्या हुआ, हुआ कि नहीं आपकी कैलोरी ऑटोमेटिकली कम, इनटेक कम हो गई, है ना अच्छी टिप। तो जरूर ट्राई करो, हमेशा बड़ी प्लेट की जगह छोटी सी प्लेट को करके देखो, उसमें खाना खा के देखो अगली बार जब भी खाना खाओ तो। हम मैं फटाफट से आपको टॉपिक्स बता रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। हाँ, तो तीसरा चीज आती है, ये शायद आप लोगों ने सुना हो कि जब भी आप खाना खाने बैठो ना, तो ये नहीं कि फट खा रहे, अच्छे से चिबा कर खाओ। 32 टाइम्स कहता है साइंस की, 32 टाइम्स अगर आपने खाना खाया है, यानी कि आप अपने मुंह में ही अपने खाने को आधे से ज़्यादा डाइजेस्ट कर रहे हो, तो आपने अपने बॉडी पर बहुत ही कम प्रेशर डाला है, आपने अपने डाइजेशन पर बहुत कम प्रेशर डाला है। इससे क्या होगा, आपने यहीं पर अपने 32 बार चबाना, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 32 बार चबाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आपको सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, उसको चबा चबा के आप अच्छे से रखिए, और जब आपको लगे कि हाँ अब लिक्विड सा फॉर्म में या सेमी लिक्विड फॉर्म में आ गया ना, तब आप उसको अंदर लीजिए। इससे जल्दी पेट के पास ज़्यादा काम करने को नहीं है, तो फटाफट से आपका वो खाना पच जाएगा और आपका खाना सड़ेगा नहीं और आपका खाना फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लो और चुटकियों में आप अपना वज़न कम करो। यह है डिटॉक्स वाटर, अपने लाइफ का एक हिस्सा बना लो डिटॉक्स वाटर को। कोई भी मौसम है, कोई भी इम्पॉर्टेंट काम हो, कितना भी ज़रूरी हो, दिन में एक बार डिटॉक्स वाटर ले ही लो। बेटर होगा कि अगर आप ज़ीरा या लेमन का डिटॉक्स वाटर लो। मैंने एक वीडियो बनाया है, प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो है डिटॉक्स वाटर पे, उस पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा या आई बटन पे लिंक होगा, तो उस पे जाइए, पूरा आप डिटेल लीजिए कि आपके लिए कौन सा डिटॉक्स वाटर बेटर है। तो डिटॉक्स वाटर आपकी बॉडी को अच्छी तरीके से डिटॉक्सीफाई करेगा और आपके वेट लॉस में बहुत बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना इम्पॉर्टेंट आपके वेट लॉस में ये कारगर साबित होने वाला है। तो बेटर है लेमन का लीजिए, लेमन का भी वेट लॉस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट वो रोल प्ले करता है। आप जीरा का ले सकते हैं, उसका वीडियो है, आप वो देख सकते हैं, मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। हाँ, तो ये टॉपिक्स हैं जिसको अगर आपने ध्यान रखा तो आपको कोई डाइट नहीं करना है, कोई एक्सरसाइज ऐसा कोई नहीं है, जिम में जाना है या कुछ ऐसा करना है, कीटो पेलियो कुछ नहीं, बस ये टिप्स को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लो। हैबिट्स हैं ये, इन हैबिट्स को अपना लो और अपने वेट को ना यलगार कर दो, अपने वेट को एकदम से टाटा बाय बाय कर दो, उसके साथ फाइटिंग चालू कर दो। तो चलो, ये हो गया मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आया हो, थोड़ा यूनिक लगा हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करो यारो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो, बाय बाय, टाटा बाय बाय, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, इंडिया में केसेस बहुत स्पीड से हाई जा रहे हैं, तो चलो ठीक है, ओके बाय बाय।